अब क्या कर रही है, अब क्या कर रही है? सुखे सटा भारत है। अरे इधर ही ठीक है। अरे क्या तुम्हारे क्लेम में निकली है? अरे भाई मैंने बुकिंग करवाई है। तो मैंने क्या रास्ते में से फड़ी उठाई है? अरे मैं कहता हूँ मैंने बुकिंग करवाई मेरी दी का यार मेरे मुँह मत लगना। चलो कहाँ चलो? टीटी से। नहीं मैं क्यों जाने लगा? टीटी मैंने बुकिंग करवाई है टीटी से। टीटी से बात तो वो है। अरे ये किसकी बत्ती है? मेरा पैर कुचल के रख दिया। आई मेरी है क्यों है? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। इतने मुसाफिर, रेल का डिब्बा और ये तुम्हारी बच्ची की ये शरारतें। लो तो मेरी बच्ची को क्या मालूम बेचारी को कि ये रेल का डिब्बा है। वो तो यही खेलेगी, कर लो जो करना है। इधर आओ बेटी, देख रही हो? इधर जा बेटा, उन आंटी के पास जाके बैठ जा। देख कैसे प्यार की नजर से तुझे देख रही है। वो तो बहुत गुस्से में मालूम होती है। ऐसी बात नहीं करते। अरे तुझे क्या पता प्यार की नजर क्या होती है? या ये गुस्से से स्टार्ट लेती है। जा उनके पास जाके बैठे। जा भाई वाह, क्या अच्छी तरबियत दी जा रही है बच्ची को। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मेरी बच्ची तो यहीं खेलेगी, तुम क्या बिगाड़ लोगी इसका? देखना मेरा रोजा है, नहीं तो मैं देख लेती कि कैसे खेलती है तुम्हारी बच्ची इधर। हाय हाय, तो रोजे के बाद बिगाड़ के देख लेना क्या कर लोगी तुम इसको। मैं देख लूंगी तो मैं रोजे के बाद। क्या हो गया तुम्हें? ये रेल है कोई घर नहीं है। लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो मरो। लड़ो मरो देख रही हो आप? हमें कह रही है लड़ो मरो। खबरदार, मुझे आपा मत कहना। हटो। क्या मुसीबत है ये औरत, इतना झगड़ा क्यों करती हैं? सफर तो काटना है ना किसी तरह, झगड़ा ना करें तो और क्या करें। सुनो जरा देखो सामने वाली को कैसे मुंह फुला के बैठी हुई है। भाभी सुनिए तो। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। तो फिर इस तरह खामोश क्यों है? मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हारे भाईजान को ऐसा नहीं समझा था। ओहो भाभी आप किस गलतफहमी में है? देखें ये भी तो हो सकता है कि भाईजान को कोई काम पड़ गया और ये भी हो सकता है कि वो मसरूफ हो। ऐसी भी क्या मसरूफियत की ईद के लिए भी नहीं आ सकते? आए मैं जानती हूँ जब से रमजान शुरू हुआ मेरी बाईं आंख फड़कने लगी। मैं समझी कोई ना कोई बात जरूर है। ओहो ना आप भी हद करती हैं। भाभी से सब बातें कहने की क्या जरूरत है? अच्छा आप जाके वहाँ बैठे जाइए। जाती हूँ लेकिन जाते जाते मेरा मशवरा याद रखना। यार कराची पहुँचते साहब की गर्दन पकड़ लेना। जरा सी ढील दो कन्नी कतराने लगते हैं। इतना सा मुँह निकला है मेरी बच्ची का। आई कहा इतना सा मुंह है? अच्छा खासा मुंह तो है। आई तुमसे कौन बोल रहा? नीलो तुम यहाँ आके बैठो। अभी तुम क्यों इनसे बात कर रही हो? अरे इनकी तो आदत ही यही है, हर एक से उलझती फिर रही है। आई खबरदार, तुम कौन होती है मेरी आदत पे बात करने वाली? अरे मुंह पर मत रखना। मैं कह रही हूँ मैं होती हूँ खुदाई फौजदार। होती होगी खुदाई फौजदार, ऐसे खाम खा मुझे बातें कर रही है। चलो चुप ही बैठो। तुम चुप करो। हुआ भाभी ये बात तो मेरी अब समझ में आई कि ये तुमने अचानक लाहौर से कराची का प्रोग्राम कैसे बना लिया। उनके बगैर में ईद कैसे करती? ठीक है ना, अपना हक लेने जा रही हूँ। कैसे बातें कर रही हो भाभी? कहाँ तो देखो ये लिख रहे थे कि तुम्हारे बगैर ईद की खुशियाँ कैसी, और अब देखो लिख रहे हैं वहाँ से कि दफ्तर का काम इतना ज्यादा है कि मैं अभी आ नहीं सकता। आई बीबी उस वक्त से बैठी तुम खेत और मैदान देखती चली जा रही हो। आई मुझे भी तो देखने दो। लहलहाते हुए खेत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मतलब है आपका? भाई मतलब ये है कि ये सीट खाली करो, मुझे यहाँ बैठने दो। अरे वाह ये क्या बात हुई भला? मेरी सीट रिजर्व है। आई सीट तो रिजर्व है लेकिन मैदान तो रिजर्व नहीं है। कैसी बातें कर रही है आप? मैं देख चुकी हूँ जब से आप आई है बारी बारी हर एक से लड़ चुकी है। चुप करके बैठ जाए अपनी जगह पर। रोजेदारों को इल्जाम मत दो। तुम रोजेदार? कब से तो तुम खाई चली जा रही हो। क्या बातें कर रही हो तुम? मेरी बात सुने देखिए इंसान को रोजे में तो अपने आप पे काबू रखना चाहिए। आज ही काबू रखना चाहिए और आप इस सीट को काबू रखें और मैदान को लगा ले सीने से। ओहो ये कैसी औरत है? अच्छी औरत हूँ। एक से एक मिल रहे हैं सफर में हमें। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ किस खुशी में चल पड़ी हूँ। इसलिए कि तुम मेरी नंद हो ना, अपनी आंखों से चल के देख लेना अपने भाईजान के सारे तमाशे। अच्छा जरा एक तरफ को तो हटो, मैं जरा खान साहब को आवाज दे लूं। कौन खान साहब? अरे मेरे रिजवान के अब्बा, मेरे शौहर। और कौन? कहाँ है वो? बस यहाँ से तीसरे डिब्बे में बैठे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि चलती ट्रेन में से वो आपकी आवाज सुन के चले आएंगे? अरे कैसी बातें कर रही हो, मेरी आवाज सुन के तो वो आसमान पे से नीचे उतर आए। तुम ट्रेन की बात करती हो। अच्छा हटो भी। अरे रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा जरा इधर तो आना, यहाँ तो आओ। बस देखो अब आते ही होंगे। हाँ हाँ सर्कस में काम करते हैं, आते ही होंगे। तौबा है, ये क्या तमाशा हो रहा है। जो तुमने कहा है ना मैंने सब सुन लिया बीबी। ये तमाशा नहीं है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा ही होना चाहिए। अरे वाह वाह, ये कैसी मोहब्बत, कैसे खासा शौहर को खतरे में डाल रही हो। अरे बहन तुम्हें क्या मालूम, इनकी पहली बीवी ने तो इन्हें हवाई जहाज से कूदने को कह दिया था। हेलो, मैं पहले कह रही थी कि सर्कस में काम करते होंगे। अच्छा बहन मेरी सीट का ख्याल रखना, मैं भी आ रही हूँ। ये तुम खाम खा के लिए सर्कस सर्कस क्यों चली जाती हो? क्या तुम हंटर वाली थी सर्कस में? अरे मैं तो हंटर वाली थी तो तुम क्या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती थी? अच्छा चलाती थी, नहीं चलाती थी। तुम क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हेलो, ये किसी और की सीट है। कोई बात नहीं, वो आ जाएंगी तो मैं उड़ जाऊंगी। दरअसल इस डिब्बे में कोई ऐसी नजर नहीं आ रही जिससे पाके की जा सके। आई क्यों बीबी, तुम क्या अपनी बातों में फलसफा बोलती हो? मैं आपके मुंह लगना नहीं चाहती। मेरा नाम गुलनार है, गुलनार। आई गुलनार हो के तलवार हो? आई तुम क्या मेरी गर्दन काट लोगी? कोई बात नहीं, आप हम लोगों से बातें करें। हेलो, आप दोनों कहाँ जा रही हैं? हम कराची जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी कराची जा रही हूँ। मेरे शोहर का ट्रांसफर हो गया है। आपके शोहर कहाँ है? अगले डिब्बे में। मैंने तो कहा था कि ईद के बाद चले, मगर वो नहीं माने। कहने लगे कि ईद नए शहर में बनाएंगे, अच्छा लगेगा। वैसे एक बात और बताऊं। हटो, तुम मेरी सीट पे कहाँ बैठ गई? अभी थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, अभी उठ जाऊंगी। मेरा नाम गुलनार है, गुलनार। तुम गुलनार हो तो मैं भी रोजेदार हूँ। अब फिर मुझसे तो खड़े भी नहीं हो जा रहा। चलो चलो उठो मेरी जगह से, मैं आप दोनों के पास फिर आऊंगी। नहीं बीबी नहीं, अब मत आना, जाओ आराम से अपनी सीट पे बैठो। तो आपको क्या हो रहा है? जाओ बीबी जाओ, इनके मुँह मत लगाओ। मैं खाम खा। अरे तुम क्या बेकार के लिए जली जा रही हो मुझसे? मैंने क्या जलना है? तुम तो ऐसी बैठी हो जैसे तुम तो बिल्कुल बहुत ही शराफत से बैठी हो। तुम्हारी तो आवाज भी नहीं सुनी किसी ने। आजा आजा, रहने दो तुम। पता शराफत से बैठी हो, पता नहीं हाथ बगल लड़ाइयाँ। हटो। अरे आजा मेरे बच्चे, सुनाओ इनको, मुसीबत डाली भी इन लोगों ने। रिजवान की अम्मा, ये क्या चीज है? अरे ये रिजवान के अब्बा है। आपको सुनाई, ये अब्बा है? हाँ। लाहौल वाला कुआ अब्बा ऐसे होते हैं? हाँ तो और कैसे होते हैं? ये तो बहु बाटा लग रहा है मुझे। अरे तुमने पुकारा तो मैं चला आया। बहुत अच्छा किया रिजवान के अब्बा। देखो मैं ना कहती थी कि मैं आवाज दूंगी तो फौरन चले आएंगे। आए देखो तो भला। बच्चों वाले ईद के तोहफे लेते जाओ, बच्चों वाले ईद के तोहफे लेते जाओ, बच्चों वाले। मेरा सामान और मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। मेरा सामान कहाँ चला गया? मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। अबे भाई को चिल्ला रहा है भाई। अरे मेरा सामान चला गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। यार खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इसकी रिपोर्ट करा दो। तो ना 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 ना, ये मशवरा मत दो, ये मशवरा बिल्कुल मत। तो ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मेरा सामान तो मैं कहीं और चला गया, मैं और किसी का उठा के लाया हूँ। अरे भाइयों, आप लोगों ने चोर को पहचाना नहीं। ये चोर है। अरे गलती से वो तो, अरे गलती से किसी ने मेरा सामान उठा लिया। मैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, गलत फहमी हो गई थी। गरम चाय चाचा। भाई क्या कर रहे हो भाई? पूरा मत मानना, नींद आ रही है। तो भाई कुछ तरफ सो जाओ। कमाल है भाई साहब। जी भैया। मैं आपसे नहीं इनसे बात कर रहा हूँ। तुम? मैं भी आपसे नहीं इनसे बात कर रहा हूँ। अरे मैं आपसे कब बात कर रहा हूँ? अरे तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। भाई साहब जी फरमाइए। ये गाड़ी लाहौर कब पहुंचेगी? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। आप खामोश नहीं बैठ सकते, देख नहीं रहे तो अपनी बातें कर रहे, बीच बीच में डिस्टर्ब करें। खामोश बैठे आप। अरे अजीब लोग हैं, पूरे डब्बे का ही दिमाग गरम है। ये तो कल सुबह ही पहुंचेगी। क्या आपको बहुत जल्दी है? मैं इससे पहले कभी लाहौर नहीं गया, इसलिए मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। तो क्या आप ईद मनाने लाहौर जा रहे हैं क्या? जी हाँ। और आप? मैं भी इसीलिए जा रहा हूँ। आपकी रिहाइश लाहौर में है? नहीं जनाब, वैसे तो मेरी मुलाजमत कराची में है, लेकिन बीवी लाहौर में। ओह, फिर तो आपको ईद के लिए जरूर जाना चाहिए। जी हाँ, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मैं ईद मनाने लाहौर आ रहा हूँ। अच्छा, वो क्यों? बस यूं ही, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। मैंने उसे खत में लिख दिया था कि मैं दफ्तर के कामों में बहुत बिजी हूँ, इसलिए लाहौर नहीं आ सकता। वाह, फिर तो आप दोनों की डबल ईद होने वाली है। जी हाँ। मासूम बीवी, मकार शौहर। बकौल शायर, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही शौहरों से मुलाकात हो गई। चाचा, आप जरा चुप नहीं रह सकते? एक तो सारे डिबे को आपने परेशान कर रखा है। तुम भी चुप हो जाओ, झूठे। बीवी को झूठ बोलते हो, परेशान कर रखा है। क्या हुआ भाई? उफ यार, अचानक पेट में मरोड़ उठी है। अरे 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 अरे, अंधे हो गए क्या मियां? देखते नहीं खातून बैठी हुई है। अबे तो अपनी बेटी को समझाओ ना, पैर संभाल के बैठे। क्या कहा? बेटी मार मार के लुकमी बना दूंगा, ये मेरी बेगम है। अरे हमें क्या पता, मेरा तो पैर फिसल गया था। पैर फिसल? खातून के सामने आके पैर क्यों फिसला? इधर उधर क्यों नहीं फिसला? कमाल लोग, बताओ पैर भी नहीं फिसलने देते। मैं सब समझ रहा हूँ, तू आदि मुजरिम है, इस वास्ते माफ करो, नहीं तो क्या कर लेते। अरे चलती हुई ट्रेन में से उठा के बाहर फेंक देता। तुम मुझे चलती हुई गाड़ी से फेंकोगे? बाप का राज है क्या? क्या मतलब मैं फेंक सकता हूँ? सुनो सुनो, अबे इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। कत्ल की? कितना झूठा है भाई, झूठा। ए भाई, आप दोनों में से किसी ने मेरा लोटा तो नहीं देखा? अरे चुप हो जा, जहन्नम में गया लोटा, ये बता कहाँ रखा था? रखा नहीं था, खिड़की में से किसी एक पैसेंजर को पकड़ने दिया था। अरे अच्छा होता कि तुम लोटे को सफर करने देते, खुद स्टेशन पे रह जाते। आपने तो नहीं देखा क्या? क्या? अब नहीं बोलेगा, बात कर ली ना। अरे बहाने से खड़े होके बातें करने के वास्ते आ जाता तू है। आपके तो मुंह लगना ही बेकार है। अगर मेरा रोजा नहीं होता तो मैं बता देता। हाँ, अबे रोजे से तो मैं भी हूँ। देखे रोजे में लड़ाई ठीक नहीं है। आप लोग बैठ जाएं, रोजा खोलने के बाद फिर लड़वाऊंगा। बैठ जाओ। अगर झगड़ा करना है तो मेरी तरह झगड़ो, मेरी तरह। क्यों भाई, तुम्हारा झगड़ा कैसा होता है? ये बात पूछिए ना दिल को लगती हुई। एक दफा एक प्लेन में झगड़ा हो गया, बराबर वाले से उठा के प्लेन से बाहर फेंक दिया मैंने। फिर तो जहाज वहीं खड़ा हुआ होगा। अबे मजाक कर रहा है लौंडे लपाड़े, मुझे कह रहे हैं मुझसे? तुम क्या अपना रोशन चेहरा किए इधर बैठे हो? मुंह घुमा के बैठो। प्लेन के सफर में ये लुत्फ कहाँ? क्या ख्याल है? जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। बम मारा, जिंदाबाद, शाबाश, क्या हिट लगाई है। अरे साहब, पहली बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री और फिर तीसरी बाउंड्री, मजा आ गया। मियां मेरी सीट का असर है। ए भाई, ए मेरे रेडियो वाले नौजवान भाई। अरे साहब माफ कीजिएगा, मैंने आपका लोटा नहीं देखा। अरे लोटे को कौन कमबख्त पूछ रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कमेंट्री ही सुनते रहोगे या हम लोगों को अजान भी सुनाओगे? इफ्तार का वक्त होने वाला है, इब्ला खातिर जमा रखी है, अभी बहुत वक्त पड़ा है। नहीं मियाँ, वक्त होने ही वाला है। अजी इफ्तारी निकालो ना, आप उधर मुंह घुमा को काहे को बैठे? तुमने तो कहा था कि मुँह घुमाए बैठी रहो। अरे इफ्तारी के वक्त कोई किसी को नहीं देखता भाई। ठहरो, मैं जरा अपने साथी पैसेंजरों को भी तो देख लूँ, इनके पास क्या नकद माल है। अबे एक बात बताओ, क्या दूसरों के आश्रय पर रोजा रखा था? अरे क्यों मजाक उड़वाते हो अपना? मेरा ख्याल है कि वक्त हो गया है। हाँ, वक्त हो गया, मगर कैसा पता चलेगा मियाँ? इस डब्बे में एक रेडियो है, उसे भी उन्होंने कानों से चिपकाए बैठे हुए हैं। अरे साहब क्यों बुरा लग रहा है आपको मेरा कमेंट सुनना? अबे अजीब मवासलाती सैयारा है, 2 मिनट के लिए स्टेशन क्यों नहीं बदल लेता? यार ले, सुन ले आप रेडियो, वक्त हो गया है। लाओ। अबे उठो, 2 मिनट रह गए। हो गया, 2 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए। अरे मेरी है भाई, निकालो। अफतारी लाइए भाभी, प्लेटें तो लाओ। अबे 1 मिनट रह गया, 1 मिनट। वो तो खुला। अरे वो जल्दी जल्दी करो। मुबारक हो, खुल गया रोजा। हो गया भाई, पकड़ा अपना रेडियो। ये पिला भाई, आप ले ले। भाभी समोसा ले, ये आप ले। बहुत ही शक्की आदमी। पानी मैं भी पीऊंगा। चाय तो नहीं होगी आपके पास? नहीं, ऑलमोस्ट लाना भूल गया था। अभी कोई स्टेशन आए तो चाय ले लेते हैं। ऐसा करेंगे, स्टेशन आया ना तो हम नीचे प्लेटफार्म पे उतर के चांद को भी देख लेंगे। चांद तो मेरा नाम है। अरे होगा भाई, हम आसमान के चांद की बात कर रहे हैं। क्यों मियां, ठीक है ना? चांद देखेंगे। और इतनी देर में गाड़ी चल पड़ी तो? अरे ऐसा भी क्या मियां, रेलवे वालों को हमारे जज्बात का कुछ तो ख्याल रखना ही चाहिए। अबे चांद का ऐसे जिक्र कर रहे हैं जैसे पूरे रोजे रखे। देखो मियां, मैं बोल दिया हूँ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बस फैशन नहीं है, एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, एक साथ बैठे, ताल्लुक तो होगा। बोल रहा हूँ मैं, कोई ताल्लुक नहीं है। बस अरे ताल्लुक तो होगा। क्यों भाभी? भाभी से बात करने की जरूरत नहीं, बस खामोश। ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ, मेरा दिल बोलता रहेगा। अबे लोटा मिला? अरे यार मिला। मियाँ तुम ऐसा करो, खिड़की से बाहर ही देखते रहो। आप महीन रहे किबला, चांद होगा तो रेडियो पे ऐलान हो जाएगा। हाँ। अरे यार ये क्यों बताने लगे, ये तो अपने कमेंट्री में लगे हुए हैं। अगर मेरा लोटा गायब नहीं हुआ होता तो मैं बता देता कि चांद हुआ है यार। नहीं अबे क्या लोटे में दूरबीन लगाई हुई थी जो नजर आ जाता चांद? ताहिर साहब, इस ट्रेन में तो बहुत मजा आ रहा है। देखें कैसे कैसे लोग हमारे साथ सफर कर रहे हैं। वाह, अब तो दिल चाहता है कि ट्रेन यूं ही चलती रहे। ऐसे लोग फिर कहाँ मिलेंगे। कैसे कैसे पे मुझे एक शेर याद आया, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। मेरा ख्याल है कोई स्टेशन आने वाला है। गाड़ी की रफ्तार सुस्त होने लगी है। दो जोड़े रख लिए, ज्यादा जोड़े रखने का काम किया था। ओहो भाभी, क्यों अपना दिल छोटा करती हो? अरे नीलो क्या बात करती हो, उस बेचारी पे गम का पहाड़ टूट पड़ा, तुम कहती हो दिल छोटा करती हो। पहाड़? कैसा पहाड़? क्या हुआ कुछ, हमें भी तो पता चले। इनके शौहर इनके साथ बेवफाई कर रहे हैं। हाय हाय बेचारी। क्यों परेशान कर रही हो ना, जाके अपनी सीट पे बैठो ना। मैं नहीं बैठती, वहाँ खटमल है उसमें। यहाँ खटमल कहाँ से आ गए? यहाँ खटमल नहीं है। ओहो ना, अब जाए ना अपनी सीट पर। भाभी आप तो इतने गुस्से में लग रही हैं, अपने जोड़े भी नहीं दिखाए मुझे। दिखाओ ना भाभी। छोड़ो ना, कराची जाके देख। नहीं भाभी नहीं, मुझे अभी देखना है। दिखाओ ना भाभी, प्लीज दिखाओ। अरे हाँ दिखा दो, बच्ची कह रही है तो दिखा दो। हाँ भाभी दिखाओ ना। अरे मेरा सिर तोड़ दिया, माफ कर दे। आए हाय, अरे हटो, माफ कर दो, पहले सिर तोड़ के रख दिया मेरा। अरे मेरे अल्लाह, हाय हाय क्या नखरे करे जा रही हो। खाली तो था लोटा। अरे तो क्या भरा हुआ लोटा मारती मेरे सिर पे, क्यों मेरी दुश्मन बन गई तुम? तो नखरे रहने दो नीलो। नहीं नहीं भाभी, मुझे अभी देखना है। दिखाओ भाभी प्लीज, माफ कर दे। अरे भाई कर दिया, जाओ जाओ। अभी अभी मुझे दिखाओ, मुझे अभी देखना है। अच्छा ठहर जाओ, मैं दिखाती हूँ। हाँ अब कनस्तर भी गिरा दो मेरे सिर पे। अरे ये क्या कर रही हो, आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो तुम लोग? आई बीबी खबरदार, कनस्तर मत गिराना, उसमें मेरे शीशे के बर्तन है, टूट जाएंगे। लो देख लो जरा, आया हाय, अपने शीशे के बर्तनों की तो बड़ी फिक्र है? और ये जो मेरे सिर पे चोट लगी है, इसकी कोई फिक्र नहीं। अगर मेरा सिर टूट गया तो? आई तुम्हारा सर तो खाली है, मेरा तो कनस्तर भरा पड़ा है। देख लो मैंने कह दिया, मेरे मुंह मत लगो तुम। खा ऐसे मेरे पीछे पड़ गई है ना बाजी जान। यहाँ दिल नहीं लग रहा। आए दिल नहीं लग रहा, बैठ जा। अभी अंकल आएंगे तो सर्कस करवाऊंगी तेरे लिए। चुप करके बैठ, रेल में दिल नहीं लगता होता। बैठ जी यहाँ पे। कहाँ बैठी? खिड़की के पास तो आंटी बैठी है। अच्छा तो फिर तू ऐसे कर, तू उन आंटी के पास जाके बैठे। शाबाश, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि बहुत ही बदतमीज और शरीर किस्म के बच्चे को बहुत ही प्यार कर रही हूँ। आय हाय, रिकॉर्ड लगा रखी है, जरा जुबान को संभाल कर बात करो। ये मेरा बच्चा है, आई मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तुम्हारा बच्चा है। हाँ, तुम क्यों नहीं समझोगी, तुम क्यों नहीं समझोगी, तुम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हो। तौबा है, ये औरतें क्या इसी तरह लड़ती भी जाएंगी? लगता तो ऐसे ही है, लगता है ये औरतें सोने नहीं देंगी। तो फिर क्या जरूरत है सोने की? अरे क्यों ना हम लोग मेहंदी लगा लें, ये आइडिया सही है। चलो मेहंदी तो मेरे पास है। हाँ वहाँ ये फिर आ गए। रिजवान की अम्मा, अब काहे को बुला लिया मुझे? अगर हाथ छूट जाए तो? कोई नहीं छूटता हाथ वाथ। ये बताओ कि तुमने मेरा पानदान कहाँ रख दिया? बिस्तर बंद में बंधा है, निकाल लो। गजब खुदा का, तो बताओ बिस्तर बंद में बांध दिया मेरा पानदान इन्होंने, हद कर दी। अच्छा जाओ ना, आप खड़े क्यों हो? हेलो, आज तुमने सिर्फ पानदान के लिए बुलाया इनको? हाँ तो और क्या। अच्छा जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, दुआ करो खैरियत से अपने डब्बे तक पहुंच जाओ। हाँ पहुंच जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होने का है, जाओ। अरे रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा, ये लोग तो तीर हो गए, तो हद कर दी। अरे रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा सुनो, देखो अगर मेरी आवाज ना जाए तो ये मत समझना कि मुझे कोई काम नहीं है, आते जाते रहना। अच्छा आपने तो कमाल कर दिया, सिर्फ इतनी सी बात के लिए अपने शोहर की जान खतरे में डाल दी। भाई मैं अपने शोहर की जान खतरे में डालूं या निकालूं? अगर तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली? मैं गुलनार हूँ। तुम गुलनार हो या पुलनार हो कौन तुम? मैंने कहा ना मैं गुलनार हूँ, गुलनार। भाई कह दिया ना कि तुम गुल हो या नार हो, मगर हमारे बीच में बोलने वाली हो कौन? ओफो, यही बहस होती रहेगी क्या? दिमाग खराब हो गया मेरे तो, सर में दर्द। गुलनार मेरे ख्याल में कोई स्टेशन आने ही वाला है, चाय मिल जाएगी। हाँ लगता तो कुछ ऐसे ही है। मेरे लिए भी चाय मंगवा देना। हेलो, बच्ची को कह रही चाय मंगवा देना, वो जो आते जाते रहते हैं उनसे क्यों नहीं चाय मंगवाती? और क्या है, तुमसे कौन बोल रहा है बड़ी भी? क्या कहा? हाँ क्या कहा? चुप रहो, चुप। हाँ लो भाई, जब मैंने देखा तो शेर की एक टांग टूटी भी थी, है लंगड़ा के चल रहा था जंगल का बादशाह। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा, मैं शेर के नजदीक गया, मैंने कहा घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। चाचा इस तरह के वाक़यात और कितने पेश आए हैं आपके साथ? अबे जब तेरा सामान खोया था उस वक्त तो बड़ा चुप था, अब बहुत चेक रहा है तू। तो कब तक सामान के लिए रोता रहूं, जो हो गया सो हो गया। अच्छा तेरे पास अपना भी कुछ बचा या नहीं? जो नहीं, एक वाटर कूलर बचा है ठंडे पानी से भरा हुआ। तो इसको कलेजे से क्यों लगा के बैठा है? एक गिलास मुझे पिला दे बकौल शायर, यूं पुकारे मुझे पूछे जाना वाले, इधर आओ बे चाक गरीबा वाले। अभी लो भी पिलाता। ए मियां, क्या तुमको शायरी की और शेर बोलने की बीमारी है? अबे जाहिल बुड्ढे, तुम्हें क्या पता लिटरेचर क्या चीज होती है? मुझे जाहिल बोला लिटरेचर मुझे। अरे आप दोनों ये बहस छोड़े और ये बताएं कि कुछ पता चला मेरे लोटे का? अबे सोने का था तेरा लोटा, स्मगलर है तू। अरे सोने का नहीं था, मेरी बेगम ने मुझे गिफ्ट में दिया था। अबे सुना आप लोगों ने, आजकल लोटे भी गिफ्ट मिलने लगे, बकौल शायर, बकौल शायर। ले आएंगे बाजार से जाकर लोटे। या अल्लाह मेरे हाल पे रहम कर। लाहौर पहुंचते पहुंचते ये आदमी शेर सुना सुना के मेरी जान ले लेगा, और लाहौर से 2 स्टेशन पहले इसका लोटा मेरी जान ले लेगा। भाई वाह, मजा आ गया, वंडरफुल। क्या हुआ भाई, किसी ने छक्का वक्का मार दिया क्या? नहीं साहब, चांद का ऐलान हो गया है। मुबारक हो, कल ईद है। मुबारक हो भाभी, आपको चांद मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो भैया, शुक्रिया। अरे मेरे को क्यों नहीं बोल रहा भाई? अरे तुमसे तो मेरी ऐसी ठनीजी है, ऐसी समझे? यानी कि हम लोग ईद की सुबह लाहौर पहुँचेंगे। ताहिर साहब जी, एक बात बताएं, आपकी शादी को कितने दिन हो गए? ये हमारी शादी की दूसरी ईद होगी। अच्छा मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूँ। ये हमारी शादी की पहली ईद की तस्वीर है, ये मेरी बेगम और ये मैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तस्वीर है। अभी आपको एक दफा फिर चांद मुबारक हो। अरे चांद इधर नहीं है, उधर खिड़की से बाहर है। अरे मैं अंधा नहीं हूँ समझे, एक दफा पूरे शहर को चांद नजर नहीं आ रहा था, पहुंचे चांद खां के पास के चलो भाई इनसे कहते हैं, मैंने जब देखा तो मुझे फौरन चांद नजर आ गया समझे। आंखों में दूरबीन लगा लिए थे शायद आप। बीवी जरा मेरा ईद का जोड़ा तो इस्त्री कर दो भाई। अरे क्या बिल्कुल सटे आ गए हो क्या, इस चलती ट्रेंड में इस्त्री कहाँ से लाऊं? अबे दोनों में बड़े इख्तलाफात हैं। तमाशा देख रहे हैं आप, ये तो मैं भूल ही गया कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। तौबा है, ना जाने तुम्हें दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। अरे मियां लड़के क्या है बेटा, तुम्हें कोई म्यूजिक से दिलचस्पी है? म्यूजिक से? अरे म्यूजिक से तो बहुत दिलचस्पी है, बल्कि दो ही तो शौक हैं, म्यूजिक सुनने का और कमेंट सुनने का। वाह सुना आप लोगों ने, बताइए और जमानों के आजकल ये मशागल हैं। आप ठीक कहते हैं। चलो बेटे जरा कागज निकालो। क्यों? अबे क्यों किस लिए? निकालो कागज, बस जो कह रहा हूँ बहस करने की अरे को आदत पड़ी हुई है। चलो बेटे जरा मेरे लिए अब एक खत लिख दो। चाचा जी एक बात बताएं, आप अपना खत खुद क्यों नहीं लिख लेते? बेटे आप भी मुझे एक बात बताएं, आपको कोई तकलीफ है? जी नहीं। तो चुप बैठ, मैं खत इससे लिखवा रहा हूँ, खुद बोले चला जा रहा है। लिखो। इस वक्त तो ये अपनी ही दुनिया में मगन है, आपका खत कहाँ से लिखेंगे? क्यों खैरियत? क्या बात क्या हो गई है? ये अपनी बेगम के पास ईद मनाने जा रहे हैं। अच्छा ये तो मोहब्बत की निशानी है ना। बताइए ये अपनी बीवी से ईद मिलने के लिए जा रहे हैं और एक मैं हूँ अपनी बीवी से दूर जा रहा हूँ, जाहिल कहीं का। पहली दफा इसने एक सही बात कही है भाई। फिर बोला खामोश। कोई खास बात नहीं, आप बताएं मैं खत लिख देता हूँ। चलो लिखो। चलिए बताइए। मेरी प्यारी नूर चश्मी कैसी हो? माफ कीजिएगा जनाब, बीवी को नूर चश्मी नहीं लिखा जाता। अबे मेरे यहाँ लिखते हैं। लिखो, मेरी बीवी का नाम नूर चश्मी है। अजीब नाम है। लिखो। बताइए। मैं ईद के मौके पे ये खत तुम्हें बड़े अजीब माहौल में बैठ के लिख रहा हूँ। आप जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, एक तो आप फालतू बातें बहुत लिखवा रहे हैं। जो बोल रहा हूँ वो लिखो, मेरा दिमाग ना खराब करो। लिखो। बताइए। हस्ती अपनी अबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। जनाब इस शेर को लिखवाने का ये कौन सा मौका है? अबे मेरे यहाँ हर वक्त शेर का मौका होता है। चलो लिखो। बोलिए। स्टेशन आने वाला है, गाड़ी रुकने लगी है। अबे तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तू इसको नहीं लिखने देगा खत। चाचा स्टेशन गुजर जाएगा तो मैं खत लिख दूंगा, आप नाराज ना होइए। ठीक है बेटा लिखवाऊंगा मैं तुझी से। ठीक है ये याद रखना। हाँ। तुम्हें तो आता नहीं होगा कुछ लिखना पढ़ना, तुम्हारे दिमाग पे तो लोटा सवार है। ये तुम्हारी बच्ची तो बहुत ही बदतमीज है सच्ची। अरे तुम्हें कैसे मालूम? इतनी देर से बैठी हुई मुझे देख देख के बराबर मुस्कुराए चली जा रही है। ये तो उसकी शराफत है कि तुम्हें देख देख के मुस्कुरा रही है। कोई दूसरी और होती ना तो तुम्हें देख देख के हंसने लगती। क्यों? क्या मेरे सिर पर सींग निकले हुए हैं? ओहो आप लोग कुछ तो खुदा का खौफ करें, आज चांद रात है और आप लोग अगर लड़ने पर तुली हुई है। अरे तुम इनको मनाने कहती जो उस वक्त से मेरी भूल जैसी बच्ची को बुरा भला कहती जा रही है। ओफो आप लोग इसी तरह झगड़ती रहेंगे, चुप नहीं होंगी। चुप करें आप लोग। कैसे जाके सीट पकड़ी है। छोड़े इनको भाभी, मैं पता आपसे क्या कहने आई थी? मैं ये कहने आई थी अगर हम लोग कल सुबह सीधे स्टेशन से ईदगाह पहुंच जाए तो कैसा रहे? तुम्हारे भाईजान हमें देख के फरार हो जाएंगे वहां से। ओह ओ भाभी ये तुम्हारे शक का है ना कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा मुझे जोड़े तो दिखाओ जो तुम साथ लिए जा रही हो। मैं नहीं दिखाती, तुम खुद देख लो। चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ, इसमें क्या बात है। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरा सिर तोड़ दिया। अरे तुमने तो मेरे सिर पे पता नहीं कितने गोमले डाल दिए, जख्मी करके रख दिया तुमने मुझको। माफ कर दीजिए गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती ने मेरे सिर में इतने बड़े बड़े गोमले डाल के रख दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तंग करके रख दिया, मैं तो पता नहीं क्यों इस डिब्बे में आके बैठी थी काम खा के वास्ते। ऐसा करो इस सारे डिब्बे का सामान ला के मेरे सिर पे दे मारो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, ठंडक पड़ जाएगी तुम्हारे। अच्छा हटो रास्ते से। रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा। अरे आप फिर उन्हें बुला रही है क्या? फिर उनकी जिंदगी खतरे में डालेंगे? कोई खतरे में नहीं पड़ती उनकी जिंदगी, अब तो आने जाने की प्रैक्टिस भी हो गई होगी उन्हें। चलो हटो यहाँ से। रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा। ओह बैठे भी तो जाके यहाँ से तीसरे डिब्बे में हैं। क्या ख्याल है भाभी, ताहिर भाई का भी यही हाल होगा क्या? वो तब किसी और ही हवा में होंगे। बीबी तो जरा मेरा एक काम तो कर दो बेटा। देखो ना कल ईद है तो मेरे ये दो दुपट्टों पर गोटा किनारी लगा दो। मेरे पास वक्त नहीं था इसलिए प्लीज तुम कर दो। ये काम आप खुद भी कर सकती हैं। अरे नहीं, ये चलती गाड़ी में ना मेरा हाथ बहकने लगेगा। अरे खामखा इनको सुई चुभ जाएगी, क्या फायदा। लाइए दीजिए। अरे छोड़ो, इतना सामान उसे दे रही बच्ची मेरी को। पहले ही उसका दिल टूटा पड़ा। हाय दिल टूटा है? किसका टूट गया? कहाँ से टूट गया? ओहो अल्लाह, आप क्या हर एक से ये फालतू बातें शुरू कर देती है। क्या फालतू बातें शुरू कर देती हूँ? उसकी शक्ल से जाहिर हो रहा है, शोहर की बेवफाई साफ जाहिर हो रही। हाय हाय, कुछ भी नहीं है मुझे। दे दें ये मुझे काम, दे दें और अपनी सीट पे जाके बैठें। लो जाए ना, अपनी सीट पे जाके बैठें। अरे ये आग लगाने वाली बातें छोड़ दो। अच्छा जो अपने होते हैं अपनी होते हैं। हाँ हाँ, हाय बच्ची, हाय बच्ची। और जाके पकड़ा भी दे। जा रही हूँ, जा रही हूँ। मैं तो सो रही हूँ। मजा आ गया इन लोगों को देखकर, तो मेरी नींद ही उड़ गई। तो फिर चुपचाप बैठी तमाशा देखती रहो। उनको देखो सामने वाले को, अभी तक चुप है। उससे कितनी अजीब बात है ना कि पूरे दबे में हंगामा हो रहा है और वो मुसीबत है कि बिल्कुल ही खामोश है। क्या बात है भाभी, ये गाड़ी क्यों रुकने लगी है? हैं? पता नहीं, कोई स्टेशन भी नहीं है। परवीन बीबी किसका नाम है? जी मेरा नाम है। क्यों बीबी आपके शौहर चलती हुई गाड़ी से गिर गए हैं। गिर गए? जी वो अपने डब्बे से इस डब्बे तक आने की कोशिश कर रहे थे कि रास्ते में गिरकर जख्मी हो गए। सिर्फ जख्मी हुए ना? हाँ सिर्फ जख्मी है। कोई आई जरा जल्दी से जाके देखो कहीं वो अपनी आखिरी ईद ना मना रहे हो। तुम चुप रहो, वहाँ के लिए बोली चली जाती। ये बताइए टीटी भैया के वो गिरे किस करवट है? हेलो करवट करवट किस करवट? अरे अब तो करवट और जन्नत में बस थोड़ा सा फासला रह गया होगा। अरे चुप हो जाओ तुम, मुझे बात करने दो। बीबी आप चलिए मेरे साथ, आपके शोहर जख्मी है। हाँ तो मुझे चलने की क्या जरूरत है टीटी भैया, मैं उन्हें आवाज दूंगी तो आप देखिएगा वो खुद चले आएंगे। कैसे आ सकते हैं जख्मी हालत में? तो क्या जख्मी के दिल में बीवी की मोहब्बत नहीं होती? आप हटिए तो सही। रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा, रिजवान के अब्बा। ये भी रास्ता है, यहाँ से तो मैं जल्दी आ जाता। अब्बा माफ करना रिजवान की अम्मा, मुझे आने में जरा सी देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा मैंने क्या कहा था आपसे, मैं आवाज दूं और ये ना आए। कोई बात नहीं रिजवान के अब्बा, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। चाचा ये खत आखिर आपका कब तक चलता रहेगा? बेटे जब तक ये ट्रेन चलती रहेगी। मैं जरा तफसील से खत लिखवाने का आदी हूँ। लिखो। बताइए। लिखो ईद का दिन भी क्या दिन होता है, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, बुढ़े देखते हैं। आप जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, एक तो आप फालतू बातें बहुत लिखवा रहे हैं। चाचा जी आपका खत रात से शुरू हुआ है और अब सुबह हो गई है, अगर कब खत्म होगा ये खत? बेटे अच्छा है ना तुम्हारी चाची को एक तफसील से खत पहुंच जाए। अबे क्या लिखा? बच्चे आइसक्रीम खाते हैं और बूढ़े उन्हें देखते हैं। आगे लिखो अनीस दम का भरोसा नहीं, जरा ठहर जाओ, चिराग लेके कहाँ सामने अब आगे चले। खुदाया फिर से वो भी बेमहल। अबे लिख, तुझे जो कह रहा हूँ लिख, मेरी आदत है। चाचा आज ईद है, आपका क्या प्रोग्राम है हमें तो बताएं। बेटे मैं नहीं मानता हूँ कि आज ईद है। वो क्यों? अरे बताओ, पिछले रमजान में भी एक आदमी ने ऐलान कर दिया 11वें रोजे पे कि आज ईद, चांद नजर आ गया। अब बताओ मैं मान लेता उसकी बात। भाई साहब जी आपका लोटा मिला? अरे नहीं जनाब, जो चीज गई सो गई। अबे अगर मिल गया कुचल दूंगा तेरे लोटे को। आजकल बहुत एहतियात की जरूरत है, हर जगह चोरियां होने लगी हैं। अबे बेटे बिल्कुल ठीक कहा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे घर में एक चोर घुस आया, पिस्तौल उसके हाथ में था, पिस्तौल दिखाते ही कहने लगा हैंड्स अप। मैं घबरा के यूं खड़ा हो गया, वो आगे बढ़ा था, मैं पीछे हट रहा था, पीछे थी दीवार, उस पर लगा हुआ था डंडा। मेरे दिल में एक डंडा खींच के सर पे मारूं, मैंने टटोल के यूं डंडा पकड़ा और मैंने डंडा यूं पकड़ के खींच लिया। ये लो, तुमने जंजीर कही थी, ट्रेन रुक गई है। अबे इसी तरह तो वो डाकू रुका था। ये जंजीर किसने खींची है? मुझसे पूछिए, इन हजरत ने खींची है जंजीर। क्यों साहब, क्यों खींची जंजीर आपने? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इंसान हूँ, जज्बात में खींच गई। जज्बात में खींच गई तो लाइए 50 रुपए जुर्माना। लो, टोटल 50 रुपए तो मेरे पास है बीवी की मुंह दिखाई के लिए। अरे चाचा, मुंह दिखाई नहीं, ईदी बोलो, ईदी। अरे चुप, वही वही मेरा मतलब है। कुछ भी हो, जुर्माना तो अदा करना पड़ेगा। लीजिए, लाइए, रिटायरमेंट के करीब है और जुर्माने जमा करते फिर रहे हैं। लीजिए। हाँ मियां, तो आगे किस्सा क्या हुआ? और पैसे नहीं है मेरे पास आगे किस्सा सुनाने के, चुगलखोर कहीं के। बताओ, चले आए। ये संजीव किसने फेंकी है? 50 रुपए ले गए। चलो बैठो, खत पूरा करो। मैं नहीं बैठता, आप खुद ही बैठ जाए। बेटा गर्मी क्यों कर रहा हूँ, मत बैठो, आप ही बैठ जाइए। नहीं बैठता, मेरा लोटा खो गया यार। अबे मसल दूंगा तेरा लोटा, मसल दूंगा। चलो ट्रेन चल पड़ी, शुक्र है 50 रुपए गए। भाई साहब, अगर बुरा ना माने तो एक गिलास पानी मुझे भी। हाँ तुम भी लो, ये लो, तो पियो। भैया ने एक आधा गिलास पानी मुझे भी दे। मैं 2 दफा दे चुका हूँ, चल यहाँ से। हाँ जल्दी पियो, लाओ। गिलास मुझे भी जल्दी। मैं चल, मैं तुम लोगों का नौकर हूँ कि हर स्टेशन पे कूलर भर भर के लाओ और तुम लोगों को पिलाओ। पानी पिलाना तो स्वाब है। चल, खाना बरंदाज, एक गिलास इधर भी, एक गिलास इधर भी। मैं कूलर ही फेंक देता हूँ, न रहे बाज ना बजे बाज में पड़ा। अरे कैसे कैच पकड़ा, 12वां खिलाड़ी था मैं। ये लो भावत, ये कूलर हमारा हुआ। चल उधर बैठ, बर्फानी गुड्डा कहीं का। अरे तुम क्यों बीच में बोलने लग जाते हो? क्यों नहीं बोलूं, जब से ये गुड्डा इधर आया है सबकी नाक में दम कर दिया है, जी चाहता इसका खून पी जाऊं। अबे लोटा मिला? कुछ मुझे ही दे दो, मैं ही कर देती हूँ। आई क्या गजब कर रही हो? आई दूसरा हाथ नहीं लगना चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हें क्या पता क्या बुराई है, और तुम क्या जानो क्या शुगुन क्या होता है। रहने दो नीलो, मैं खुद ही कर लेती हूँ, मेरा क्या। कर लो तुम अपने आप। मैं तो ऊपर से कोई मैगजीन उतार लो। क्या है? 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 बस रहम, अरे अल्लाह के वास्ते रहम करो मेरे हाल के ऊपर। जब भी आती हो कुछ ना कुछ जरूर मेरे सिर पे गिरा देती हो तुम। ऐसा करो, इस सारे डिब्बे का सामान लेके एक दफा मेरे सिर पे दे मारो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। देख रही हो आप? बैठ जाओ नीलो, बैठ जाओ। कमाल, आई लगता है कोई स्टेशन आ रहा है, ट्रेन की रफ्तार सुस्त हो रही है। ए भी, ए, बड़ी देर होगी, तुमने अपने शोहर को आवाज नहीं दी। हाँ भी, तो अब नहीं आएंगे हैं? क्यों चले गए? कहाँ गए? वहीं। वहीं कहाँ? पहली वाली के पास। हाय नो, पहली वाली के पास? वो क्यों? वो जब जख्मी होते हैं ना तो हमेशा अपनी पहली वाली के पास चले जाते हैं। और हाय हाय क्या है? ताहिर साहब जी फरमाइए। आपने जो तस्वीर दिखाई थी ना, बिल्कुल वैसी ही खातून सामने वाली ट्रेन में बैठी है। भाभी, भाभी वो देखिए सामने वाली ट्रेन में। वो देखे, वो तार मारने लग रहा है। कहाँ है वो? देखे तो सामने वाली ट्रेन में है। कहाँ है? देखे तो वो उधर देखे, वो तार मारने। हाँ, वो तो ताहिर है। ताहिर, ताहिर तुम? नाजिया तुम? ताहिर, नाजिया, नाजिया। अब क्या करूं? अरे ये तो मेरी बीवी नाजिया थी, अब मैं क्या करूं? अरे बेटे क्या सोच रहा है? तेरी जगह मैं होता तो चलती ट्रेन से कूद जाता। आप भी कमाल करते हैं ताहिर साहब, जंजीर खींचे और भाभी से मिलने। और आपका ये खत। अबे जहन्नम में क्या खत, तू जंजीर खींच। खींचे खींचे, शाबाश शाबाश। निकालो 50 रुपए जुर्माने के। ये लीजिए आप। नाजिया बेटे के पास जाओ, जल्दी जाओ। अबे एक बड़े मियाँ, इसको कहते हैं मियाँ बीवी की मोहब्बत। अरे चुप। नाजिया, नाजिया। देखा भाभी, मैं ना कहती थी भाईजन आप ही के पास आ रहे हैं। अब क्या करूं? आई क्या करो, ये चेन खींचो जल्दी से। ईद के दिन तो तुम्हें अपने शौहर के साथ होना चाहिए। मगर ये आपका काम। वो छोड़ो काम माम, चलो चलो जल्दी खींचो जल्दी से। चलो शाबाश, आओ कटाओ सही पैर को। ये दोबारा जंजीर किसने खींची? ये दोबारा भी मैंने खींची है। तो लाइए, निकालिए जुर्माना। ये पकड़िए। 50 नहीं, दोबारा जंजीर खेचने के 100 रुपए होते हैं। है? अरे पकड़ो इसको। तो वो 100 रुपए नहीं दे के गया। अरे मैंने नहीं देखी है जंजीर।